आज हम श्वेत पत्र पेश करने वाले हैं उस मार्ग से जो जम्मू संभाग और कश्मीर के हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है, और आज से नहीं बहुत पुराने समय से हम इस समय मुगल रोड पे हैं, और यहां से हम आपको जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की उम्मीदों, दोनों क्षेत्रों के चुनावों, दोनों क्षेत्रों में हो रहे वादों और दोनों क्षेत्रों की जरूरतों की बात बताएंगे। 10 साल बाद जो चुनाव यहां पर हो रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, उस पर पेश है श्वेत पत्र। आठ साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, आज तो 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से? फारूक अब्दुल्ला। चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। कश्मीर के लोगों ने गलती की, उनको अकल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बीजेपी को हम रोक पाए। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की। रिलीजियस से उठकर, सबसे उठकर मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। घबरा रही है, उनके पास लोगों के पास माफी मांग के लिए इस बार और कोई चारा नहीं है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। अकेले ही है, अकेले ही चला था जान बे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बैठा गया। क्या अकेले सरकार बना पाएंगे? मेरे लिए सरकार बनाना मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुद्दा है कश्मीर के लोगों को जो सेंस ऑफ डिफीट है उसे बाहर निकालना, कश्मीर का मुद्दा हल करना, एवरलास्टिंग पीस ले आना और ये चीज साबित करना कि कश्मीरी सुकून बेहतर नहीं है। चेहरों पर तनाव है क्योंकि जन्नत में चुनाव है। पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच एक दशक का फासला है। वोटर्स की लिस्ट में एक पीढ़ी वो है जिसने 370 वाले माहौल में उम्र गुजार दी। एक पीढ़ी वो तैयार हो चुकी है जो 370 हटने के बाद पहली बार वोट डालेगी। पीढ़ियों की सोच जब वोटिंग के लिए कतारों में लगेगी तब जम्मू कश्मीर अपना नया भाग्य लिखेगा। आप लोग गरीबों की आवाज सुनते हो, बाकी नेता लोग तो सिर्फ आते ना इलेक्शन के टाइम पे, हम ये करेंगे वो करेंगे, करना इन्होंने कुछ भी नहीं होता। हुकूमत चाहे वो बीजेपी की हो, एनसी की हो, कांग्रेस की हो, इसको जो भी आता है, जब वोट डालते हैं कुर्सी पे बैठते हैं फिर यहाँ कोई नहीं आता। इस बेसहारा आवाम की कोई तो आवाज सुन ले। 86.93 लाख कुल मतदाता है जिनमें 44.35 लाख पुरुष है, 42.58 लाख महिलाएं हैं, 25.3 लाख कुल युवा हैं, जिनमें 18 से 19 साल तक की उम्र के 45,964 युवा शामिल हैं। युवाओं की भूमिका निश्चित ही चुनावों में निर्णायक रहने वाली है। आपको 10 साल के बाद एक इलेक्शन मिल रहा है जिसमें आप अपना फैसला करेंगे, क्या आप इस जमीन के मालिक हैं, क्या कोई और इस जमीन का मालिक है? पहली बार है कि हमारे इन भाइयों को अपने वोट का अधिकार भी मिलेगा, और गुज्जर बकरवाल भाइयों को अब 9 सीटें विधानसभा में इनके एमएलए भी बनकर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कारण जाएंगे। इस पर अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलकर वोट करते हैं तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं? 2019 से पहले जो इलेक्शंस होते थे आपने देखा श्रीनगर में या बारामूला या कहीं भी, वोटिंग परसेंटेज 20-25-12 इतने परसेंट रहती थी। इस बार लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल को और 35A को एब्रोगेट किया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, लोग उससे नाखुश हैं। 6 साल पहले आखिरी बार सरकार देखी थी जम्मू कश्मीर में, तब से 2024 तक चिनाब में बहुत पानी बह चुका है। चिनार के पत्तों की बदलती रंगत के साथ जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है और ये बदलाव दिखता है। न्यून दस्तार, न्यून यजत, न्यून यूट्यूब, चप्पे चप्पे में भी एक ही गुण सुनाई दे रही है,
फिर एक बार राजनीतिक लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए ये बड़े दिन है। अपनी सरकार, अपना भविष्य चुनने का मौका बस चंद दिन दूर बचा है। तीन चरणों में वोटिंग होगी, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। 8 अक्टूबर की तारीख नतीजों की शक्ल में दुनिया को ये संदेश देगी कि जनता ने कश्मीर में किसे अपना जनार्दन चुना है। पिछले 5 साल में हुए राजनीतिक बदलावों पर भी जम्मू कश्मीर की जनता अपना फैसला सुनाएगी और ये फैसला लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर की राजनीतिक विरासत तय करता रहेगा। लेकिन उससे पहले इन चुनावों में कई सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे। क्या 370 का मुद्दा चुनावों में असर डालेगा? क्या विशेष राज्य के मुद्दे पर जनता वोट करेगी? क्या आरक्षण का मुद्दा चुनाव की दिशा तय करेगा? क्या जम्मू कश्मीर विकास के मुद्दे पर वोट करेगा? यहाँ के इश्यूज क्या है सबसे? मेरे को तो लगता है बींग अ फीमेल के लड़कियां ज्यादा सफर कर रही हैं, जो क्योंकि उसकी लड़कियां जो हैं वो ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही हैं। आज के दौर में आपको पता है बेरोजगारी कितनी है। एक गरीब आदमी एक सिलेंडर पहले 350 या 400 का था, आज 950-1000 रुपए का हो गया। तो हमारे जैसा गरीब आदमी, आम आदमी जो है वो पिछड़ रहा है, कुछ ज्यादा कुछ नीचे से नीचे जा रहा है। इन्फ्लेशन इतनी बड़ी है, कहते हैं पेट्रोल डीजल तुम आगे बढ़ो, गैस तुम्हारे साथ है। उसके बाद अगर बात की जाए, मैम आपने सड़क का दौरा किया होगा कि सड़क की बहुत खस्ता हालत है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थितियों में भी बड़ा बदलाव आया है। सरकार बनाने के लिए हमेशा कश्मीर पर निर्भर रहने वाली सियासत के लिए जम्मू भी अब बराबरी के स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया है। वंशवाद ने नया विस्तार लिया है और अलगाववाद के झंडा बरदारों ने बुलेट की जगह बैलेट की तरफ रुख किया है। जमहूरियत के लिहाज से जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। जम्मू कश्मीर के जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां तक मतदाताओं तक पहुंचने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की रहती है और आखिरी वोटर तक भी चुनाव आयोग उसके मतदान का अधिकार लेकर जाता है। लेकिन इसके साथ ही जो अभी तक अलगाववादियों की तरफ से कॉल रहता था कि बहिष्कार किया जाए चुनावों का, इस बार यहाँ की जनता उन सारी चीजों के बारे में सुन ही नहीं रही है। जब हमने लोकसभा चुनाव देखे तब भी देखा कि कैसे बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, इस बार भी उत्साह जबरदस्त है। 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अगर अभी नई सरकार आएगी क्या होगा, कैसा होगा। वोट जाया नहीं करना, देना है जरूर। बड़ी उम्मीदें हमें सरकार से कि काफी सालों के बाद हमें भी कुछ पूछने वाला मिल गया। लोकतंत्र की नई इबारत लिखने की खुशी चेहरों से झलक रही है। वर्षों की राजनीतिक उथल पुथल के बाद घड़ी आई है अपने भविष्य को चुनने की, तो अपने वोट की ताकत को भी बखूबी समझ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में नए दौर की घोषणा है जी। उसी उम्मीद से तो हम बैठे हैं, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अगर अभी नई सरकार आएगी क्या होगा, कैसा होगा। तो लेकिन इन 10 सालों में बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो अब देखते हैं। उम्मीद यही है कि सब कुछ ठीक हो। अब हम अल्लाह से चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान, अगर इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हो सकता है कि उनको इस हमारे इलाके की आवाज़ को आगे आला हुकाम तक पहुंचाएंगे और शायद मतलब हमारा कुछ न कुछ मतलब आवाज़ सुनी जाएगी। कि आवाम गरीब आवाम है, यही लोग इलेक्शन के दौर में देखते हैं, इलेक्शन के बाद कोई भी नहीं देखता। बाकी यह है जो विकास हुआ है, ये हम नहीं बोलते कि नहीं हुआ, लोगों को मकान भी मिले हैं। अगर मकान मिले हैं लोगों को तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिले, कुछ डेवलपमेंट भी हुई है। हम बोले कि बिल्कुल नहीं, लेकिन हुई है, ऐसी बात नहीं है। 370 हटने के बाद जिस तरह का उत्साह जम्मू कश्मीर के लोगों में दिख रहा है, उससे ये सवाल उठता है कि क्या हमेशा की तरह इस बार भी जम्मू कश्मीर एक निशान एक विधान के तहत होने वाले चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। वैसे अगर जम्मू कश्मीर के कई दशकों के वोटिंग पैटर्न को देखा जाए तो तस्वीर काफी कुछ साफ होती है। 1962 में जम्मू कश्मीर में वोटिंग प्रतिशत 40.3 था, जो 1987 तक बढ़कर 75% तक हो गया। 60 और 70 के शुरुआती समय में कांग्रेस की सरकारें थी,
जबकि 80 के दशक में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा। 2008 में पीडीपी और कांग्रेस गठबंधन के दौरान मतदान 61% रहा। 2014 में 65% मतदान हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता से बाहर हुई। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इसी साल लोकसभा चुनाव भी हुए और 58.46% मतदान जनता ने किया, जो कि पिछले 35 साल का श्रेष्ठ मतदान है। विधानसभा चुनावों में भी ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता रिकॉर्ड मतदान कर सकती है। ये मौका मिल रहा है यहाँ वोट डालने का, जो हमें बंदिक बनाया गया था, जो हमें हक था, उसे हम अभी तक कोसों दूर था। 10 साल हुए अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। हम इंतजार कर रहे थे इस मौके को कि हमें मौका आए, हम अपने मौके को अच्छे से फायदा उठाएंगे और अपना जो हक है, जो वोट है वो हम 2024 का लोकसभा चुनाव मैं मानता हूं कि कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पिछले 5 वर्षों के परिवर्तन के कारण लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था व्यक्त की और अगर वोटिंग परसेंटेज को देखें तो लगभग 32-33 सालों बाद 58% से ज्यादा मतदान हुआ ओवरऑल और वैली में भी 50.6% मतदान हुआ। यह स्वाभाविक रूप से इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम और खासतौर से वैली के लोगों ने भी भारत के लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के लिए 10 साल पहले 2014 में हुआ विधानसभा चुनाव भी राज्य की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम था। अलगाववादी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जनता से चुनावों के बहिष्कार की अपील की थी, लगातार भड़काऊ बयान दिए गए थे। परेशानियां तो हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर कर दी है। यहाँ मतदान संपन्न हुआ तो जनता ने अलगाववादियों के इरादों को नकारते हुए लोकतंत्र पर भरोसा दिखाया। जम्मू कश्मीर में 65.5% मतदान हुआ। उत्तरी कश्मीर में पहले चरण में 70% से अधिक मतदान हुआ। उस समय के 46 निर्वाचन केंद्रों पर 50% से अधिक वोटिंग हुई। इनमें 13 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे जहां 70% से अधिक वोटिंग रही। हालांकि भारी मतदान के बावजूद जनादेश खंडित रहा। पीडीपी ने तब 28 सीटें जीती, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 15 और कांग्रेस को 12 सीटें ही मिली। किसी को बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन फिर बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार चलाई। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद महबूबा मुफ्ती के तौर पर जम्मू कश्मीर को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। मैं महबूबा मुफ्ती खुदा के नाम पे हल्फ उठाती हूँ। मैं डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस लिया और गठबंधन सरकार गिर गई। तब से अब करीब 7 साल बाद चुनाव हो रहा है। यहाँ वो किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कमजोर करने के लिए। यहीं तक बीजेपी का देश प्रेम जो है वो रुक जाता है। मैं यहाँ मम्मी मम्मी करने नहीं आई हूँ। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरी अपनी एक पहचान है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मेरे अपने ख्याल है, मेरा अपना अप्रोच है। जम्मू कश्मीर में सियासत आग का दरिया है, यहाँ सब कंज्यूम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि बड़ी खुली फिजा में इस बार चुनाव भी हो रहा है और ये पहली बार हुआ है, शायद 30 बरस के बाद पहली मर्तबा एक ऐसा चुनाव जिसमें लोग बढ़ चढ़ करके आए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बदहाल है, तो वो हकीकत में वो अपनी बदहाली को बयान कर रहे हैं। बदली परिस्थितियों में होने वाले चुनावों के नतीजे जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों की तस्वीर के साथ प्रशासनिक संरचना को भी तय करेंगे। जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक मोड़ से अब कुछ ही दिन दूर है। वंशवाद सियासत के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या आम लोगों के लिए भी, वोटरों के लिए भी वो उतना ही बड़ा मुद्दा है? Yeah!
आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत ही वंशवाद पर वार किया तो जम्मू कश्मीर की चुनावी राजनीति में बहस छिड़ गई। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए पीडीपी के साथ, तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की राजनीति पिता फारूक अब्दुल्ला से मिली। फारूक अब्दुल्ला ने अपने पिता शेख अब्दुल्ला की विरासत संभाली थी। अब उमर अब्दुल्ला के बेटे जहीर अब्दुल्ला और जमीर अब्दुल्ला राजनीति में कदम रख चुके हैं। कोई होना चाहिए जो इसको मैदान को आगे चला सके, हमारी मुहिम को आगे चला सके, हमें इस नफरत से निजात दे जहाँ आज वतन में हिंदू और मुसलमान को बांटा जा रहा है, सिख और ईसाई को बांटा जा रहा है। मैंने वो हिंदुस्तान नहीं देखा आज तक, आज देख रहा हूँ। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें एक दो नहीं, दो दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई ना कोई कभी न कभी विधायक या मंत्री रहा है। इनकी जमात में कितने हैं जो बापू की वजह से आए हुए हैं, वो तो आप गिनती ही नहीं है। क्या ये बिल्कुल साफ धुले हुए हैं? अब्दुल्ला परिवार के बाद कश्मीर में कोई दूसरा ताकतवर राजनीतिक परिवार है तो वो है मुफ्ती फैमिली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी ने उनकी पार्टी की कमान संभाली। महबूबा मुफ्ती भी मुख्यमंत्री रही और अब महबूबा मुफ्ती की बेटी भी मैदान में है। उनके सामने भी परिवारवाद का सवाल है। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरी अपनी एक पहचान है एंड मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहती हूँ। मैं मीडिया में पिछले 5 साल से हूँ, जब से आर्टिकल 370 हटा, और तब महबूबा जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो लोग मुझे जानते हैं एज इल्तिजा, और उनको बहुत सारे लोग जब मैं कैंपेनिंग करती हूँ वो कहते हैं ये वोट आपकी पार्टी के लिए नहीं है, ये वोट आपके लिए क्योंकि हम आपको पसंद करते हैं। तो मेरी भी एक आइडेंटिटी है, मेरी भी एक पर्सनैलिटी है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो बट आई डोंट वॉन्ट टू बी जस्ट महबूबा मुफ्तीज डॉटर और मुफ्ती साहब ग्रैंड डॉटर। ऑफकोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी बट मैं अपनी, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मेरे अपने ख्याल है, मेरा अपना अप्रोच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह ही पीडीपी ने भी उन लोगों को उम्मीदवार बनाया है जिसमें वंशवाद की झलक नजर आती है। सवाल ये उठता है कि राजनीति के लिए वंशवाद एक मुद्दा है जो समय समय पर उछलता रहता है, लेकिन क्या वोट डालने वाली जनता के लिए वंशवाद चुनावी मुद्दा है? ये चुनाव नए जम्मू कश्मीर का चुनाव कहे जा रहे हैं। हर मुद्दा जरूरी है और हर मुद्दे पर जनता का रुख नतीजे तय करेगा। लोग कहीं के भी रहने वाले हो, उनकी जरूरतें एक ही होती है, वही बुनियादी जरूरतें, बिजली, सड़क, पानी। जम्मू कश्मीर की बात होती है तो यहाँ पर कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, तो एक नेटवर्क भी आप इसमें जोड़ लीजिए। हालांकि जब राजनेताओं की बात आती है तो वो केवल पहचान और इसी तरह के मुद्दों से जुड़े रह जाते हैं जहां पर वो लोगों की भावनाओं को उठाकर वोट हासिल कर सकें। लेकिन लोग कहते हैं भावनाओं को बाद में देखिए, पहले हमारी जरूरतों को देख लीजिए। चुनावी मुद्दों के मुद्दे पर हम जम्मू कश्मीर की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से चुनावी जायजा ले रहे थे, तभी हमारी टीम को कुछ लोगों ने रोका। क्या दिक्कत है यहाँ की? नेटवर्क की प्रॉब्लम है इधर बहुत बड़ी। हाँ। वो चाहिए इधर। कौन से गांव में रहते हैं? ये इधर पनार है, इधर उसमें चाहिए। हम सुनगोट रहते हैं। हाँ। चंदी मारा, ये चंदी मार पनार। कावर नहीं है इधर, अगर मार जाता है कोई हो जाता है, अरसा हो जाता है इधर, हमें पता नहीं लगता। कम से कम 50-90% आदमी जिनकी डेथ होती है वो सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटी ना मिलने की वजह से है। इतनी परेशान है, अभी 3 दिन पहले यहाँ से गाड़ी एक नीचे गई थी बिलोरो। हाँ।
उसमें हमने बाहर निकाले, स्ट्रक्चर भी नहीं, एम्बुलेंस नहीं टाइम पे, कुछ भी हमें टाइम पे नहीं। आज तक से जाते हैं कि हम सबको बताएं कि यहाँ पर टावर बनना चाहिए। किसी भी नेता को और किसी भी पार्टी को अगर अपनी अहमियत बतानी है तो यही समय है कि लोगों के जरूरतों में, और ये वाकई एक बहुत गंभीर समस्या है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, मुगल रोड का ये हिस्सा जिसका जिक्र उन्होंने किया। भले ही चुनावी रैलियों में बड़े बड़े मुद्दे सुनाई दे रहे हों, लेकिन आम लोगों की जरूरतों में अब भी सड़क, अस्पताल, एम्बुलेंस जैसे मुद्दे नजर आए। यहाँ पर कैसा है, चीजें हैं, मतलब जो चीजें आप लोगों को जरूरत की होती हैं वो मिलती हैं? आप मिलती तो है, वरना इसमें एक चीज की जरूरत ज्यादा है हमें, कौन सी कि आप हमारी जो रोडें थी ये नई निकल रही थी रोडें, एक ये पीछे आप कट्ठा में देखी है, एक इधर है निकली है, इन रोडों का कोई भी हाल नहीं है, हमारे जमींदार सब का नुकसान बहुत हो चुका है। चाहते ये है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है रोड के साथ, जिस इलाके में रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है रोड की, वहाँ कुछ हाल नहीं है उसका। 370 हटने के बाद विकास की बात को आम कश्मीरी स्वीकारता भी है, लेकिन अभी थोड़ा है, थोड़े और की जरूरत है कि तर्ज पर उम्मीदें लगा रखी है। जम्मू कश्मीर के लोग आश्वासनों से आगे उम्मीदों को इन चुनावों में प्राथमिकता दे रहे हैं। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। अभी 11 बजे रात को भी लोग जा करके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, 12 बजे रात को भी प्रचार हो रहा है, गले से गले मिल रहे हैं लोग, हाथ मिला रहे हैं। नहीं तो पहले के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा, आज तक ने खास तौर से, तो गाड़ी से लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो ये जो परिवर्तन हुआ इसे देखने की जरूरत है। अब आपको दिखाते हैं कि चुनावी रैलियों में सियासत के बीच कौन से मुद्दों पर महाभारत मची हुई है। मुद्दा नंबर एक, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 पहले भी चुनावों में एक मुद्दा होता था, लेकिन तब 370 को कायम रखने के वादे होते थे, अब वो 370 ही नहीं है, तो एक मुद्दे के रूप में उसकी सीरत बदली हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 370 बहाली के वादे के साथ मैदान में। तब तक हम लोग जिंदा हैं, तब तक 370 को वापस लेके आएंगे और अपनी इज्जत को आएंगे। हम सब कुछ वापस लाएंगे, तब आप होंगे, मैं होंगी, यहाँ होंगी नहीं, बट जद्दोजहद हमारा चलेगा। जब बीजेपी के 4 MLAs भी नहीं थे 80s में, अगर उनने जाके किसी को बोला होता कि हम कंट्री में ऐसे आग लगाएंगे तो नोबडी वुड हैव बिलीव्ड इट, बट पॉलिटिक्स में ये साइकिल्स होती हैं, एंड आई बिलीव इंशाल्लाह नॉट जस्ट 370 विल रिजॉल्व द लार्जेस्ट। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है और 370 को लेकर वो अलग रणनीति के साथ चुनावी ताल ठोक रही है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। बीजेपी 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी के दावे के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर हमलावर है। ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें, आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय। मुद्दा नंबर दो, आरक्षण। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जनजातियों को 10% आरक्षण दे दिया, वो भी पहले से मौजूद अनुसूचित जातियों के आरक्षण में कोई और बदलाव लाए बगैर।
अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरक्षण नीति में बदलाव लाकर वापस आरक्षण का वादा किया है। बीजेपी इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर आक्रामक है। मुद्दा नंबर तीन, पूर्ण राज्य। बीजेपी का दावा है कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द ही देगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के मुद्दे को लेकर बीजेपी को लगातार घेर रही है और उसकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। मुद्दा नंबर चार, आतंकवाद। बीते दिनों जम्मू में एक के बाद एक हुए आतंकी हमलों के कारण इस बार चुनावों में सुरक्षा और आतंकवाद भी एक मुद्दा है। बीजेपी आतंकवाद से सख्ती से निपटने की बात उठा रही है और दूसरे दल आतंकी हमलों से लोगों के मन में पनपने वाले भय को मुद्दा बना रहे हैं। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो ये कहना सही है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का जिक्र चलता है तो इसमें इस बाबत भी एक लकीर खींचनी जरूरी हो जाती है। इस बार के चुनावों में जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टियां हैं, उनके साथ भी एक बार फिर इसी सवाल पर बहस छिड़ी है। तो हमारे लता के राशिद इंजीनियर, टेरर पंडित, सैयद सलीम गिलानी, अलगाववाद। सवाल ये है, कश्मीर में अलगाववाद की अलग जगाने वाले पाकिस्तान परस्त लोगों का दिल बदल गया या 370 हटने के बाद बदले हालात ने मुख्य धारा में आने के लिए मजबूर कर दिया। अगर सच बोलना सेपरेटिज्म है तो वी आर प्राउड ऑफ टू बी सेपरेटिस्ट, दैट्स एनफ। एक मिनट, दूसरी बात, ऐसा कहके उन वोटर की ऐसा करके दिल्ली को सोचना चाहिए, अगर इंजीनियर रशीद के साथ सेपरेटिस्ट वोटर से तो फिर हिंदुस्तान के साथ यहाँ कोई नहीं है। ये है इंजीनियर राशिद, 2024 का लोकसभा चुनाव जेल से लड़ा और उमर अब्दुल्ला को हराया। इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं जिनमें प्रमुख UAPA के तहत आरोप शामिल है। 2019 में इसको आतंकवादी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इसने 5 साल तिहाड़ में बिताया। बारामूला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे राशिद को अंतरिम जमानत मिली है सिर्फ इसलिए कि ये चुनाव प्रचार कर सके। राशिद ने इस बार अपनी पार्टी आवामी इत्तेहाद बैनर के तले 34 उम्मीदवारों को उतारा है। मैं दिल्ली को मुबारक करता हूँ, एक तरफ से उसको छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ से उनका रैना जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का जम्मू में, वो खत भेजता है या सबको उनके पार्टी के हैं इसको सपोर्ट करना, ये तो उन्हीं का उम्मीदवार है ना। अब इस दूसरे चेहरे को देखिए, यह सरजन अहमद उर्फ सरजन बरकती उर्फ आजादी चाचा, कश्मीरी मौलवी और हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद विरोध रैलियों का प्रमुख चेहरा, 2016 में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार, UAPA के तहत आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप, युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए भड़काने के आरोप। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ गांदरबल से चुनाव लड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल की जनता से भावुक अपील की। हाफिज मोहम्मद सिकंदर मलिक, प्रतिबंधित जमात इस्लामी का पूर्व जिला अध्यक्ष, 2019 में UAPA के तहत गिरफ्तार, आतंकी फंडिंग के मामलों में संलिप्तता, GPS ट्रैकर पहनकर अपना बांदीपोरा से नामांकन दाखिल। कुछ ऐसे ताकतें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जो पिछले 35 साल से लोगों को इलेक्शन से दूर रखने की बात करते थे, जो ये कहते थे कि जो वोट डालेगा और जिसके उंगली पे ये इंक का निशान होगा वो उंगली काटी जानी चाहिए, वो लोग आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जो 35 साल यहाँ पे बंदूक का असर रहा, जो 35 साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर को इस मुल्क से काट के पाकिस्तान जोड़ने की बात हुई, जो 35 साल यहाँ पे तबाही और बर्बादी रही, वो किस लिए था, ये मैं वो सुनना चाहता हूँ।
अब सवाल यही है कि जो अलगाववादी या आतंकियों के सरपरस्त रहे ये लोग क्या सचमुच भारत के संविधान में विश्वास रखने लगे? सवाल ये भी है कि जिन्हें कानून की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो अगर जीत गए तो खुद कानून बनाएंगे। अब सोचना अपने वोट को पहचानते हुए कश्मीर को है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। इस बार के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बहुत अलग परिस्थितियों में हो रहे हैं। अव्वल तो ये कि चूंकि एक क्रम बताया गया कि पहले यहां पर सीटों का परिसीमन होगा, उसके बाद यहां पर चुनाव होगा और उसके बाद दोबारा राज्य का रूप, पूर्ण राज्य का रूप जम्मू कश्मीर को मिलेगा, तो उसकी प्रतीक्षा सब कर रहे हैं। लेकिन इस परिसीमन से इन चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, यानी अभी तक जो नतीजे किसी सीट पर आते थे वहां पर परिसीमन के बाद कितना स्वरूप बदल सकता है? लिमिटेशन यहां के लोगों के लिए अजाब की बात हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम में एक नई एस्पिरेशन पैदा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के कठिन परिश्रम, आपके संकल्प। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं, 6 जम्मू संभाग में और 1 कश्मीर संभाग में। सवाल ये उठता है कि इसका क्या असर पड़ सकता है। इसके लिए 2014 के पिछले विधानसभा चुनाव समीकरण को पहले समझना होगा, तब जब परिसीमन नहीं हुआ था। जम्मू संभाग में 37 सीटें थीं और कश्मीर संभाग में 46 सीट। 42 सीट जीतने वाले को बहुमत मिल जाता था और उसकी सरकार बनती थी, इसीलिए जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कश्मीर से ही बनते थे। 2014 के चुनावों में बीजेपी ने तब की 37 सीटों में से 25 सीटें जीती थी और सभी 25 जम्मू संभाग से ही जीती। पीडीपी 3, कांग्रेस 5 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें ही मिली। कश्मीर संभाग में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। कश्मीर संभाग में पीडीपी ने 28 सीटें जीती, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12, कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। अब बदले परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जम्मू संभाग में 37 की जगह है अब 43 सीटें, यानी अब सिर्फ कश्मीर में ज्यादा सीटें जीतने से ही किसी पार्टी की बात नहीं बनेगी, उसे जम्मू में भी अपनी संख्या बढ़ानी होगी। परिसीमन के बाद जम्मू संभाग में जो सीटें बढ़ी हैं, तो कई पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये सीटें हिंदू बहुल हैं और बीजेपी ने खुद को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। जो इनने असेंबली के सेगमेंट्स काटे और जोड़े हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। जहां वो एमएलए वहां का बनेगा, वो वहां की खिदमत कर सके, वहां के लोगों की मुश्किलें दूर कर सके, ये जरूरी है। अब अगर सीधा गणित समझा जाए तो 90 सीटों पर चुनाव है और बहुमत 46 पर होगा। 47 कश्मीर और 43 जम्मू की सीटें हैं। अगर त्रिशंकु की स्थिति भी होती है तब राज्यपाल की भूमिका बड़ी हो जाएगी, क्योंकि राज्यपाल को विधानसभा में 5 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट्स दरअसल सिर्फ प्रॉक्सी के तौर पर खड़े किए जा रहे हैं ताकि राजनीति के खेल को यहाँ पर बिगाड़ा जा सके। क्या आपने यहाँ रहते हुए वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस यंगस्टर्स में देखे हैं या वाकई सामने लाया गया है इन लोगों को? मुझे लगता है कि चुनाव अभी हुए नहीं जी। और पहले से आकलन करना ये सर्वथा अनुचित है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों की आदत बन गई है कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई सवाल खड़ा कर देना। अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और मुझे लगता है कि किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि लोकसभा चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर नहीं थी। और यहाँ मैं ये बात कह सकता हूँ कि विधानसभा चुनाव भी पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की एक बड़ी वजह जम्मू क्षेत्र में मुस्लिम सीटों पर बड़ी जीत हासिल करना भी है, ताकि बीजेपी को बढ़ने से रोका जा सके।